डिगरस शहर के ग्रामीण अस्पताल में स्थित टीकाकरण केंद्र में न सिर्फ असुविधाओं की भरमार है, बल्कि यहां शनिवार को नियमों का उल्लंघन कर एक 22 वर्षीय युवक को बगैर टोकन के प्रवेश देकर कोवैक्सीन का टीका लगाया गया। टीकाकरण प्रक्रिया में बरती जा रही कोताही और नियमों का उल्लंघन यहाँ के प्रशासन की खामियां उजागर कर रहा है। बीते कई दिनों से दिग्रस ग्रामीण अस्पताल की कोविड-19 टीकाकरण केंद्र में जारी टीकाकरण प्रक्रिया को लेकर लोगों की नाराजगी लगातार सामने आ रही है। अस्पताल प्रशासन ने वैक्सीन लेने आ रहे लोगों की तादाद के मद्देनजर भीड़ की समस्या से निपटने के उद्देश्य से यहां टोकन देकर नंबर लगाने की व्यवस्था की थी, लेकिन फिर भी लाइन में खड़े लोगों को नजरअंदाज कर यहां अस्पताल प्रशासन द्वारा जान पहचान को तरहीज देने का आरोप लाइन के खड़े लोगों में लगाया था। ऐसे में शनिवार को तो अस्पताल प्रशासन की खामियों के चलते सारी सीमाएं और नियमों को लांघते हुए एक 22 वर्षीय युवक को वैक्सीन का टीका लगाए जाने की घटना सामने आई है। जबकि फिलहाल 18 से 44 वर्ष उम्र वालों को टीका दिए जाने का कोई आदेश ग्रामीण अस्पतालों को प्राप्त नहीं हुआ है और वैसे भी फिलहाल दूसरे डोज का सत्र जारी है। ऐसे में नियमों को ताक पर रखकर दिग्रस ग्रामीण अस्पताल में बरती जा रही कोताही से यहां के कर्मचारी और वरिष्ठ अधिकारियों की गंभीरता और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संदर्भ में जब वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर आरडी राठौर से फोन पर संपर्क किया गया, तब उन्होंने पहले तो इस पूरे मामले में गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए मामले से कन्नी काटने का प्रयास किया, लेकिन बार बार पूछे जाने पर उन्होंने इस पूरे मामले में संबंधितों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी ऐसा आश्वासन दिया है। देखना होगा कि आगामी दिनों में टीकाकरण प्रक्रिया में खामियां दूर करने के लिए अस्पताल प्रशासन क्या कदम उठाता है। वाजल्यापासून लोकांनी लसीकरणासाठी नंबर लावले होते, पण ते नंबर लावणारे आधीच बाजूलाच होते आणि यांच्या स्टाफपैकी कोणीतरी आपल्या जवळच्या लोकांना आधीच नुसत्या चिठ्ठ्या देऊन लसीकरण इकडे चालू केलं होतं। तर माझं तहसीलदारांना आणि जे कोणी जबाबदार व्यक्ती आहे त्यांना एवढंच सांगणं आहे की नियम सर्वांसाठी सारखे ठेवा, दुजाभाव करू नका। PCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।